हेलो व्यूअर्स, पद्मा का प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपको मनी प्लांट के विषय में बताऊंगी। मेरे घर लोग आते हैं तो कहते हैं कि आपका मनी प्लांट बहुत अच्छा चल रहा है, मेरा उतना अच्छा नहीं दिखता है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस चीज़ को मैं शेयर करूं कि मैं क्या क्या अपने मनी प्लांट्स के साथ करती हूँ। देखिए, पौधे लगा लेना तो ठीक है, लेकिन जब तक उनकी केयर ना करें तब तक उनकी लुक वाइज वो देखने में उतने अच्छे नहीं लगते और उनकी ग्रोथ भी इतनी अच्छी नहीं होती है। तो मेरे पास जो वैरायटी है, इसकी कई वैरायटी होती हैं। एक ये देखिए मार्वल मनी प्लांट है, इसके पत्ते इस तरीके से होते हैं। एक ये हरा ग्रीन कलर का है, प्लेन सादा ये वाला प्लांट है। और एक ये शेडेड पत्तियों का मनी प्लांट है। तो ये वैरायटी मेरे पास हैं, आप इनमें से इनको लगाइए। ये बहुत कॉमन वैरायटीज़ हैं और बहुत अच्छी देखने में भी लगती हैं। अब आते हैं हम इसकी प्रोपोगेशन की बात पे। तो ये बहुत इजीली ग्रोइंग प्लांट है, आप बहुत इजी ग्रो हो जाता है। इसकी आप डंडी तोड़िए और इसे बरसात में तो कहीं भी गाड़ दीजिए, इसमें जड़ें आ जाती हैं और ये प्लांट्स लग जाता है। पानी में भी आप इसको डाल दीजिए, इसकी डंडी को, तो इसमें जड़ें आ जाती हैं, फिर निकाल के आप लगा सकते हैं। तो ये तो बात हो गई है। अब इसको कैसी मिट्टी में लगाते हैं, तो मिट्टी के लिए हम अपनी वही जो कॉमन मिट्टी सभी प्लांट्स के लिए बनाते हैं कि हमारी दो भाग मिट्टी, एक भाग सैंड और एक भाग खाद में हम इसको लगाते हैं। फिर इसके बाद आते हैं हम इसके पानी पे। ये बहुत वाटर डिमांडिंग प्लांट्स है, आप इसको गर्मियों में तो डेली पानी दीजिए और शावर करके पानी दें, नहलाएं अच्छे से। तो इस पानी डिमांड इसको बहुत चाहिए, अच्छे से चाहिए। अब इतना भी नहीं दे दीजिए कि ये सौगी हो जाए, वैसे भी हम लोग वेल ड्रेन मिट्टी तैयार करते हैं। तो ये पानी हो गया। तीसरा आते हैं लाइट की बात पे। ये इंडोर प्लांट्स है और गर्मियों की डायरेक्ट सनलाइट से इसको बचाना है, नहीं तो इसकी पत्तियाँ बर्न हो जाती हैं। तो छनती हुई धूप थोड़ी बहुत पड़े इस पर तो चलता है, लेकिन गर्मियों में इसे शेड में रखें तो ये बहुत अच्छे से ग्रो भी करेगा और ये अच्छा भी रहेगा। अब आते हैं हम इसकी खाद पे। तो खाद में हम इसको कोई विशेष खाद नहीं देते हैं, हम इसको साल में दो बार ही गोबर की खाद डालते हैं, एक हम सितंबर में एक फरवरी में, जो हम अपने सभी प्लांट्स में डालते हैं वही इसको भी देते हैं। बाकी हम बीच बीच में अपनी जो सब्जियों के छिलकों वाली लिक्विड फर्टिलाइज़र है वो एक दो महीने पे थोड़ा थोड़ा इसको डाल देते हैं, और विशेष कोई फर्टिलाइज़र नहीं डालते हैं। बस ये है ज़रूर है कि यदि आपको इन पत्तियों में थोड़ी शाइनिंग चाहिए तो जो यूरिया होती है वो यूरिया की बहुत थोड़ी मात्रा, मतलब आधे चम्मच से भी कम, 1/3 चम्मच, 1 लीटर पानी में आप घोलिए और इस पर स्प्रे कर दीजिए। तो इससे पत्तियों का जो ये ग्रीननेस है, ये ग्रीनरी इसकी जो है बहुत अच्छी से शाइनिंग आएगी और ग्रीन पत्तियाँ अच्छे से होंगी, तो आप उसका स्प्रे कर सकते हैं। बाकी सर्दियों में ये प्लांट्स थोड़ा डल पड़ जाता है, लेकिन अभी इस समय गर्मियों में इसकी ग्रोथ अच्छे से शुरू हो जाती है। देखिए, हमने अभी ये नए प्लांट्स लगाया है, देखिए इसमें अच्छे से कपोले निकलने लगी हैं, और अभी ये बरसात आते आते देखिएगा पूरा ये भर जाएगा। और इसको इस तरह से आप इसको कई तरीके से लगा सकते हैं, एक स्टिक में ये इसको कर देंगे, ये भी मैंने स्टिक में लगाया है, ये तो देखिए छोटी स्टिक है, इसको मैं गोल शेप दे रही हूँ, और इसको हैंगिंग में आप लटका के लगा सकते हैं, कहीं बेल के रूप में चढ़ा सकते हैं, और यही एक करना है। दूसरा, बीमारी की बात करें तो इसमें कोई बीमारियां लगती नहीं, कभी कभी इंसेक्ट्स वगैरह इसके पत्तियों को काट देते हैं, तो उसके लिए आप वही नीम ऑयल का स्प्रे कर दें, और कोई विशेष इसमें केमिकल इंसेक्टिसाइड नहीं डालना है। और कभी कभी इसमें देखा होगा आपने मिट्टी में ठंडक की वजह से चींटियाँ वगैरह आ जाती हैं, तो उसके लिए मैं अपना हींग के पानी का स्प्रे करती हूँ, वो मैंने एक वीडियो डाल भी रखा है चींटियों को भगाने के लिए। तो बस यही थोड़ी सी केयर फ्रेंड्स करें तो आप इसको एक बहुत अच्छा लुक दे सकते हैं। और इस प्लांट्स को वैसे तो कॉमनली सभी लोग लगाए रहते हैं और इसको लगाना भी चाहिए, क्योंकि एक ये एयर प्योरीफाइंग प्लांट्स है और हमारे घर के वातावरण को भी शुद्ध करता है। तो फ्रेंड्स, आप इस प्लांट्स को इतनी केयर करें तो ये हमारे घर की खूबसूरती को बढ़ाता है। आप इसे ड्राइंग रूम वगैरह में भी पानी की बोतल में लगा करके रखें तो ये लुक अच्छा देता है। और देखिए, मेरे ये प्लांट्स लगे हुए हैं। फ्रेंड्स, इतनी सी ही जानकारी थी। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ आप हमारे इस जानकारी को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।
और देखिए मैंने इधर भी, देखिए मैंने जो हैंग करके लगाए हैं वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए मैंने अपने हैंगिंग प्लांट्स में भी इस तरह मैंने देखिए हैंग किया, और ये देखिए मैं एक बेल ऐसे इसको चढ़ा रही हूँ, उधर भी मैंने हैंग करा है, वो लटकते हुए अच्छे लगते हैं। तो इस तरीके से आप भी अपने घर में मनी प्लांट्स को लगाएं, देखने में अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स हम फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ आपसे। बाय बाय।